हेलो दोस्तों, ये है क्लास टेंथ का फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन। तो बिना समय गए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कौन सा आपका सही है या गलत, तो आप मिला लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमीबा पाचन भोजन कैसे पचाता है, यानी भोजन कैसे पचाता है। तो अमीबा अपने कूटपात के द्वारा भोजन पचाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो दोस्तों लाइपेज जो है वसा पर क्रिया करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाइपेज। दो अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों जो वायवीय शोषण से ना बहुत ज़्यादा वायवीय की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है दोस्तों, मछली का शोषणांग है। तो दोस्तों मछली का शोषणांग जो है गिल्स है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गिल्स। पाँचवा प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। तो दोस्तों उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। छठा प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आवर्त। सातवां प्रश्न दोस्तों, लोहे के फाइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो दोस्तों फाइन से जंग से बचाने के लिए ग्रीस लगाकर भी हो करते हैं, पेन लगाकर भी, जिंक की परत चढ़ाकर भी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सातवां का। आठवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों जो सोडियम है उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोडियम। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको अगले वीडियो भी डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो दोस्तों जो CO2 गैस है ना, चूने के पानी को दुधिया कर देता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों एक आधो मिस्टेक भी हो सकता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं तो हो सकता है आपको एक आधो मिस्टेक हो जाए। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो दोस्तों टार्टरिक अम्ल जो है संतरा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर टमाटर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टमाटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 11वां जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 × ½H2O होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, CSO4 × ½H2O। दोस्तों 12वां प्रश्न है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है। तो दोस्तों जिंक और सल्फ्यूरिक जब अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलती है, तो H2 निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, H2। 13वां प्रश्न है दोस्तों, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। तो दोस्तों वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम पर मीटर होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये जो है ना वो क्वेश्चन जिनका था उनका है, तो इसका सही लेकिन बी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से विद्युत का अच्छा चालक ये हो जाएगा, चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्ट्रेट ने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शायद फैराडे की थी, हाँ धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज फैराडे ने की थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16वां प्रश्न है दोस्तों, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। तो दोस्तों विद्युत मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करती है। 17वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो दोस्तों इसमें से जो है सबसे कम अभिक्रियाशील हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम। 18वां प्रश्न दोस्तों, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6। कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है 6 होती है। 19वां प्रश्न है दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के परमाणु के बीच त्रिआवर्त होते हुए कहलाते हैं, तो कहलाते हैं एल्केन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एल्केन। 20वां प्रश्न है दोस्तों, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। दोस्तों एथेनॉल का क्रिया मूलक सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड COOH। 21वां प्रश्न है दोस्तों, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इसको जो नियंत्रित करता है मूलरोम कहता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मूलरोम।
22वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन वृक्ष की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो वृक्ष की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। 10वां प्रश्न दोस्तों, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वृक्ष। पूरा पूरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 24वां प्रश्न है दोस्तों, एंड्रोजेन क्या है? एंड्रोजेन जो दोस्तों है ये हो जाएगा नरलिंग हार्मोन, ये भी है मादालिंग हार्मोन, पाचक रज, यानी इनमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है दोस्तों, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब वृद्धि होती है तो कहलाता है उपचयन। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। 26वां प्रश्न है दोस्तों, अम्ल का पीएच मान होता है, दोस्तों 26वां प्रश्न, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही। 27वां प्रश्न है दोस्तों, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, दोस्तों धोने का सोडा का आणविक सूत्र Na2CO3 × 10H2O है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10H2O। 28वां प्रश्न है दोस्तों, मक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं इथेनॉलिक अम्ल। दोस्तों इसमें जो है सही ऑप्शन दिया ही गया नहीं है, उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, तो हम कंफ्यूज हो रहे थे दोस्तों। तो इसमें आपको सबको नंबर मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। 29वां प्रश्न है दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घेघा रोग। 30वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो दोस्तों मुकलन एवं विखंडन सभी द्वारा होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 32वां प्रश्न है दोस्तों, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? दोस्तों फूल का जो है बीजांड जो है फल में बदलता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बीजांड। 33वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस आवर्धन होता है, आवर्धन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, VYU, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। रेटिना पर जिस कलर का पड़ता हो वैसा रंग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। दोस्तों 38वां प्रश्न, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो है 220 वोल्ट की प्रति बढ़ती धारा जो है वो उपयोग करते हैं हम लोग अपने घरों में। 39वां प्रश्न दोस्तों, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? तो दोस्तों जिस दिन धूप नहीं होता उस दिन सौर जल तापक का उपयोग नहीं करते, बादलों के दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। 40वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, यानी भूतापीय नाभिकीय जैव मात्रा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, जैव मात्रा जो है उसके व्युत्पन्न नहीं है। 41वां प्रश्न है दोस्तों, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है तो वह कैसा होगा, वह कैसा रहेगा? तो वह जो है किस दर्पण होगा? तो वह है दर्पण के किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतीत होता है, तो वह जो होगा केवल समतल होगा, समतल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समतल। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण किस में से निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों कार का अग्रदीप कह रहा है, यानी आगे में जो होता है दीप, यानी साइड मिरर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप कंफ्यूज मत होइए कि आगे में अवतल रहता है इसलिए अवतल होगा, वो नहीं है, अग्रदीप कह रहा है। 33वां प्रश्न है, 43वां है, निम्नलिखित में से कौन किसका अपवर्तक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि हीरा का अपवर्तक सबसे अधिक होता है। 44वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो दोस्तों अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। 45वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो दोस्तों केचुआ जो है उभयलिंगी है। दोस्तों 46वां प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मटर के पौधों को।
47वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन एक अवशोषी अंग है? तो दोस्तों अवशोषी अंग कौन सा है जो रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, पेप्सी, ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एपोनिंडिकस। 48वां प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों ये वन संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। दोस्तों आप चाहते हैं किसी तरह से अगले वीडियो आपको मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल आपसे अगले वीडियो के साथ। ओके बाय। उतना के लिए जय हिंद, जय भारत।